सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पीजीसी 106 पॉपुलर लिटरेचर को किस तरीके से कवर करना है. फॉर एग्जाम्पल लाइक एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस सब्जेक्ट को कवर करने. और अगर आपने अभी तक बुक खोलकर देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये दूसरे कोर कोर्सेज यानी कि जो पीजीसी सब्जेक्ट है 105, 106, 107, 108, 109, 10 ये 6 है सेकेंड ईयर में. इनमें से दो कोर्सेज है जो बहुत डिफरेंट है. एक तो ये पॉपुलर लिटरेचर जो 106 है और एक 109 जो रोमांटिक लिटरेचर है. ये दोनों थोड़े डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है वो मैं बताती हूँ. क्योंकि इनमें आपको समरी से ज्यादा जॉनर पे ध्यान देना है. पॉपुलर लिटरेचर में आपको इस पॉपुलर लिटरेचर के अंदर जो भी जॉनर्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है राधर देन की स्टोरीज इनसाइड इट. और रोमांटिक लिटरेचर में आपने अभी तक पढ़ ही लिया होगा उसमें आपको पोएम्स पे ज्यादा फोकस करना होता है. उसमें ऐसी स्टोरीज और ड्रामाज वगैरह नहीं है. सो ये दोनों थोड़ी डिफरेंट है जो आप यूट्यूब वीडियो से कवर नहीं कर सकते हो. मेरा इतना बताने का यही मतलब था कि दूसरे दूसरे वीडियोस में मैंने बताया होगा कि 105 को या 7 को या 8, 9, 10 को इन सबको कैसे कवर करना है. तो यूट्यूब वीडियो देखने से हो जाता था. समरी वीडियो देखने से आप आंसर फ्रेम कर सकते हो. लेकिन 106 में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. इसका कोई शॉर्टकट नहीं है और इसको आपको पहले से पढ़ना स्टार्ट भी करना होगा. ये एग्जाम के एक दिन पहले प्रिपेयर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा. एंड एक दिन पहले प्रिपेयर करो और एग्जाम दो और पास होना ये बहुत बहुत ही मुश्किल है. सो ये वीडियो को एंड तक देखना और मैं सब चीज बता दूंगी कि कहाँ से किस तरीके से पढ़ाई करनी है जो थोड़ा इजी लगे और समझ में भी आ जाए. कोई बहुत टफ नहीं लगे. ब्लॉक वन जो है पॉपुलर लिटरेचर का इंट्रोडक्शन है. इसमें जो यूनिट वन है उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि पॉपुलर लिटरेचर क्या चीजें हैं. मतलब पॉपुलर लिटरेचर किस लिटरेचर को बोला जाता है. यूनिट टू में है नोशन ऑफ द कैनोनिकल एंड द पॉपुलर. कौन सी चीजों कौन से लिटरेरी वर्क को पॉपुलर बोला जाता है एंड कौन से वर्क को कैनोनिकल या क्लासिकल बोला जाता है. यूनिट थर्ड में आता है एक्सप्लोरिंग एकेडमिक एंड क्रिटिकल अप्रोचेस टू पॉपुलर लिटरेचर. और यूनिट फोर्थ में आता है पॉपुलर लिटरेचर टूडे. तो आपने देख लिया कि ये चार यूनिट्स हैं ब्लॉक वन के अंदर में. इनमें से आपको कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊं तो आपको पढ़ना है. पहले तो सबसे पहले आपको ये सब चीजों के शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले जाना होगा चेक योर प्रोग्रेस पे. ये जो कोर्स है अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करो तो कंप्लीट भी नहीं होगा एंड बोरिंग भी लगेगा और प्रिपरेशन भी ढंग से नहीं होगी. हर चीज को प्रिपेयर करने का एक सही तरीका होता है. हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्मार्ट वर्क. तो स्मार्ट वर्क इस कोर्स के लिए यही होगा कि आप हर एक चैप्टर का इंटरनल क्वेश्चन चेक योर प्रोग्रेस और जो बाद के क्वेश्चंस हैं मतलब रिव्यू क्वेश्चन कह सकते हैं उसको या फिर यूनिट एंड क्वेश्चंस उन पे ज्यादा फोकस करना होगा आपको. एंड पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढो एंड देन उस आंसर को अच्छे से पढ़ो तभी हो पाएगा. और इसके जो क्वेश्चंस है वो अगर आप क्वेश्चन पेपर देखो जाकर तो आप समझ पाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ. क्योंकि वो क्वेश्चंस आप कितना भी समरी पढ़ लो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. आपको कोई मटेरियल कोई कंटेंट नहीं आएगा लिखने के लिए जब तक आप बुक से नहीं पढ़ोगे. सो इस बात को सीरियसली लेना एंड हर क्वेश्चन पे ध्यान देना. यहाँ पे है व्हाट आर द अर्ली अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द टर्म कल्चर. कुछ बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है. आपको हेडिंग में ही मिल जाएगा. जैसे मैं बताऊं तो अर्ली अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है तो इसमें आपको थोड़ा सा सर्च करना होगा. एंड इसमें सर्च करोगे तो यहाँ पे जैसे लिखा है फॉर अ लॉन्ग टाइम कल्चर वॉज दस यूज्ड एज अ नाउन ऑफ प्रोसेस टू रेफर टू द टेंडिंग ग्रोथ और कल्टिवेशन समथिंग. लाइक कहने का ये मतलब कि आंसर ढूंढना थोड़ा मुश्किल. किसी किसी में हेडिंग नहीं मिल जाएगा और किसी किसी में इन टेक्स्ट में थोड़ा डीपली पढ़ना होगा तब मिलेगा. पढ़ना हो एंड दूसरी चीज मैं बताऊं कि बहुत लोगों को ये फीचर नहीं पता. बहुत लोगों को पता है. अगर आप फोन से पढ़ रहे हो तो आपने पीडीएफ गूगल ड्राइव या किसी भी ऐप में खोला हो बेटर होगा कि गूगल ड्राइव से ही खोलो. तो उसमें ये सर्च का ऑप्शन आते हैं. मैंने कर्सर दिखा रही हूँ. ये तो एज है ये दूसरी चीज है. बट गूगल ड्राइव पे भी इस तरीके का सर्च होता है. यहाँ पे आप एक टर्म मतलब वो क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन है ना अर्ली अंडरस्टैंडिंग. अर्ली अंडरस्टैंडिंग ढूंढ कर देखो या अंडरस्टैंडिंग ढूंढ कर देखो या फिर कल्चर कुछ भी ऐसा ढूंढो जो आपको लगे कि ये आंसर में मिल जाएगा मुझे. तो जैसे कल्चर आप लिखोगे तो आपको ये कल्चर वर्ड हाईलाइट होकर आपके सामने आ जाएगा. तो इससे होगा कि आपको आंसर जल्दी मिलेगा. एंड पीसी पे तो ऑलरेडी आपको पता ही है ये सर्च सेम ही चीज है. सर्च से आपको उस पीडीएफ के अंदर के जो टर्म्स है वो वर्ड आपको बहुत क्विकली मिल जाएगा. उस तरीके से आंसर ढूंढोगे तो मिलेगा. एंड बुक्स से जो पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी मेहनत करनी होगी. उनको ढूंढना होगा आंसर्स कहाँ पर है. थोड़ा सा आपको
कहते हैं ना ऊपर ऊपर वाला रीडिंग, वो थोड़ा पढ़ना होगा और आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा। कोई इतना भी हार्ड नहीं है कहाँ से आंसर ढूंढू कहाँ से ढूंढू, इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बस ऊपर ऊपर की रीडिंग करना, समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाले आंसर है और आपको आंसर बहुत जल्दी मिलेंगे। बस यही है कि थोड़ा मेहनत करना होगा। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का इस तरीके से आप पढ़ोगे, फिर आप आओगे इस पे चेक योर प्रोग्रेस सेकेंड पे, जिसमें आप देखोगे कि क्वेश्चन से इन व्हाट वेज इज कल्चर अंडरस्टूड एज हाई एंड लो, किस तरीके से कल्चर को हाई या लो कहा जाता है। डिफाइन पॉपुलर कल्चर, इलेबोरेट ऑन इट्स मल्टीपल कॉनोटेशंस, इन सबके आंसर्स आपको इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में मिल जाएंगे। चेक योर प्रोग्रेस के आंसर ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज आपको इतना ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपने चेक योर प्रोग्रेस 1 पढ़ा तो उसके ऊपर जो चीज लिखे हैं उनमें ही आंसर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि चेक योर प्रोग्रेस 1 का आंसर आपको यूनिट के एंड में मिलेगा, वो शुरुआत में मिलेगा। थोड़ा सा पार्ट होता है फिर चेक योर प्रोग्रेस होता है, चेक योर प्रोग्रेस के आंसर आपको उसी पार्ट से मिल जाएंगे। एंड ऐसा भी है, देखो चेक योर प्रोग्रेस 2 के जो आंसर होते हैं वो आपको चेक योर प्रोग्रेस 1 के पहले में नहीं मिलेगा, वो आपको चेक योर प्रोग्रेस के बाद, मतलब फर्स्ट वाले चेक योर प्रोग्रेस के बाद ही मिलेगा। सो आई होप ये समझ में आ गया, और थोड़ा कंफ्यूजिंग मैंने बोला है, कंफ्यूजिंग टर्म्स यूज किए हैं, बट आई होप समझ में आ गया होगा। पॉपुलर लिटरेचर, एडवेंट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, डिफाइनिंग पॉपुलर लिटरेचर, ऐसे पढ़ोगे तो समझ ही नहीं आएगा कि कहां से क्वेश्चन आएगा और कहां से क्या पढ़ना है। इसीलिए पढ़ना जरूरी है तो चेक योर प्रोग्रेस से और यूनिट एंड क्वेश्चन से। फिर आता है इसमें ड्रॉ द लिंकेजेस ऑफ पॉपुलर लिटरेचर, पॉपुलर कल्चर विद द मार्केट प्लेस, एंड राइट नोट्स ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म, पॉपुलर कल्चर एंड अमेरिका, पॉपुलर लिटरेचर एंड इट्स फॉर्म्स, पॉपुलर लिटरेचर टूडे। ये शॉर्ट नोट्स वाले तो जरूर से प्रिपेयर करना, इनमें से क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है। मेरे हिसाब से इसमें कुछ स्किप मत करना, बिकॉज क्वेश्चन टफ होते हैं सब्जेक्ट के, ये ध्यान में रखना। इसका पढ़ाई बहुत टफ है, इस कोर्स का पढ़ाई टफ है। आप सोचोगे कि शॉर्टकट में हो जाएगा, वो नहीं होगा भाई, नहीं होगा। और इसमें तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि यूनिट 1 में आपको यूनिट एंड क्वेश्चन नहीं दिए हैं। दूसरी चीज, चेक योर प्रोग्रेस का हिंट भी दिया हुआ है, सर्च करने पे ना मिले, खुद से पढ़ने पे ना मिले, हिंट पे आ जाओ भाई, हिंट पे आ जाओ। यहाँ पे आपको सबका बता दिया गया है, रीड सेक्शन 1.1 एंड 1.2 केयरफुली एंड देन आंसर इन योर ओन वर्ड्स, ये ध्यान में रखना, ओन वर्ड्स में लिखना जरूरी है। अब ऑफकोर्स इतना भी कोई टैलेंटेड नहीं होता है कि बुक से पढ़ के तुरंत सब याद कर लिया एंड उसी तरीके से लिख लिया, एग्जाम में सब ओन वर्ड्स में लिखते हैं। खैर ये सब चीजें असाइनमेंट्स पे अप्लाई होती है, असाइनमेंट्स पे सब लोग बुक से पूरा छाप देते हैं, लिखना होता है ओन वर्ड्स में। यूनिट 2 की बात की जाए तो नोशन ऑफ द कैनोनिकल एंड द पॉपुलर, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कैनॉन क्या होता है उसको डिफाइन करना, रिलेशन बिटवीन मिथ्स एंड पॉपुलर लिटरेचर, ओपनिंग अप द कैनन, इंडियन इंग्लिश पॉपुलर फिक्शन एंड लिटरेरी कैनन, इन सब तरीकों की चीजें इसमें आपको पढ़नी है। डायरेक्ट पढ़ना मत शुरू करना, सबसे पहले जाना, जैसा मैंने बताया आपको ऑलरेडी, सबसे पहले जाना एंड चेक करना इन चीजों को, चेक योर प्रोग्रेस को, डिफाइन कैनन एंड कैनोनिकल बाय गिविंग एग्जांपल, ठीक है। यहां से आपको आंसर्स पढ़ने होंगे, सबसे पहले हिंट ही देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बहुत लेजी फील कर रहे हो, लग रहा नहीं भाई इतना मेहनत मेरे से नहीं होगा, तो आप कोई बात नहीं, आप हिंट्स में देखो, लेकिन आंसर्स को पढ़ना मत छोड़ो, पढ़ना जरूरी है, तभी कुछ समझ में आएगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं आपके पास। चेक योर प्रोग्रेस सेकेंड में जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो कि क्लासिक एंड पॉपुलर के बीच में डिस्टिंक्शन करना है, डिफरेंशिएट करना है, वो आपको हिंट से आंसर मिलेंगे, आपको उस तरीके से पढ़ना है। व्हाट इज द रोल ऑफ मास मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन एक्सटेंडिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैनन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ओपनिंग अप ऑफ द कैनन, व्हाट रोल डज सिनेमा प्ले इन एक्सपैंडिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर। कोई बात नहीं, ये देख के थोड़ी घबराहट हो रही होगी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सब होगा। एक बुक का जो बुक है ना, सिंपल लैंग्वेज यूज नहीं करता, ये मुझे भी पता है कि सिंपल लैंग्वेज नहीं है, और लैंग्वेज मेरे हिसाब से सिंपल है, वर्ड सिंपल नहीं होते, इसमें जो वर्ड्स होते हैं आपको हर लाइन में कुछ ऐसा वर्ड मिलेगा जो बहुत टफ लगेगा। कोई बात नहीं, दिन भर में कितना बार आप फोन उठाते हो, स्क्रोल करते हो, मीम्स चेक करते हो, रील्स देखते हो, वही करना है, पढ़ाई करो, फोन रखो, कोई भी प्रॉब्लम आए तुरंत गूगल से पूछो, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। कोई इशू तो है नहीं इसमें इतनी बड़ी आप लोग बना के रखे हो कि कुछ समझ नहीं आता। मेन इशू इसमें यही है कि टर्म समझ नहीं आता, टर्म बहुत ही लेंथी, आई मीन डिफिकल्ट होता है। कोई नॉर्मल टर्म के लिए भी इन लोगों ने साइनोनिम्स यूज कर रखे हैं, लाइक उसके उसके जगह पे कुछ भारी भरकम सा वर्ड, तो वो जरूरी होता है। आपका अगर अपना वोकैबुलरी बढ़ाना है तो अगर आप मीनिंग वगैरह चेक करोगे, आपका वोकैबुलरी बहुत अच्छा इंक्रीज होगा और एनहांस होगा।
नेक्स्ट नेक्स्ट अगर देखें तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियन इंग्लिश पॉपुलर फिक्शन एंड द लिटरेरी कैनन. कमेंट ऑन एनी पॉपुलर फिक्शन दैट यू मे हैव रेड रिसेंटली. राइट अ नॉवेल नोट ऑन एनी नॉवेल दैट हैज बीन मेड इनटू अ फिल्म. फिर यहाँ हिंट से आप हिंट से पढ़ना समझ जाओगे. यूनिट थ्री पे आऊं तो इसमें क्या चीजें हैं. पहले तो इसकी हेडिंग एक्सप्लोरिंग एकेडमिक एंड क्रिटिकल अप्रोचेस टू पॉपुलर लिटरेचर इंपॉर्टेंट इश्यूज इन पॉपुलर लिटरेचर. पॉपुलर लिटरेचर क्या इश्यूज और थ्योरीज ऑफ द कल्चरल इंडस्ट्री रिडीमिंग पॉपुलर लिटरेचर जेंडर एंड पॉपुलर लिटरेचर. ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हैं इसके अंदर. फिर मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बताऊं तो एलुसिडेट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर विच सेट इट अपार्ट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग. ठीक है, ये चेक प्रोग्रेस वन था. फिर अगर टू पे आए तो कमेंट ऑन द कैटेगराइजेशन ऑफ पॉपुलर कल्चर एज अ कल्चर इंडस्ट्री बाय इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द फ्रैंकफर्ट स्कूल. फिर नेक्स्ट अगर देखे तो हाउ हैज द ब्रेक डाउन ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन हाई एंड लो कल्चर इन्फ्लुएंस द क्रिटिकल अप्रोच टू पॉपुलर लिटरेचर. कॉमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलर लिटरेचर एंड फेमिनिस्ट थ्योरी. फिर इसमें हिंट्स है आपके पास में कुछ. फिर इसमें क्वेश्चंस नहीं है. यूनिट एंड वाले किसी किसी में है किसी में नहीं है. यूनिट फोर्थ की बात की जाए तो पॉपुलर लिटरेचर टुडे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पॉपुलर लिटरेचर विजुअल टर्न इन पॉपुलर लिटरेचर यंग एडल्ट लिटरेचर डिजिटल टेक्स्ट एंड पॉपुलर लिटरेचर जेंडर पॉलिटिक्स एंड पॉपुलर लिटरेचर. और इसमें अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो चेक योर प्रोग्रेस वाले क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है. हाउ हैज द कॉमिक फॉर्म इवॉल्व टू बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पॉपुलर लिटरेचर टुडे. ठीक है, और सेकेंड चेक योर प्रोग्रेस में है कॉन्टेक्चुअलाइज द टर्म यंग एडल्ट एंड कॉमेंट ऑन इट्स इमर्जेंस. हाउ हैज यंग एडल्ट लिटरेचर कार्व्ड इट्स प्लेस विद इन पॉपुलर लिटरेचर. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस है आपके पास में. आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस पर बहुत टफ नहीं है. आप एक बार पढ़ोगे ना और अगर समझ में आ जाए, समझना ज्यादा जरूरी है, रटना नहीं है, समझना है. समझ में आ जाए तो आप बहुत इजीली आंसर्स को फ्रेम कर पाओगे. जेंडर नॉर्म्स आर ऑफन सीमेंटेड एंड चैलेंज्ड थ्रू वर्क्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर. डिस्कस चिकलिट एज अ जॉनर ऑफ पॉपुलर लिटरेचर विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इट्स जेंडर पॉलिटिक्स. ये चिकलिट वाला जो टर्म है कि आप जरूर पढ़ना, चाहे बुक से हो या फिर ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह से पढ़ लेना, इसके शॉर्ट कट्स आ सकते हैं चिकलिट के बारे में. ठीक है, एंड इसी के साथ में ये यूनिट भी होती है एंड, और इसमें भी हिंट्स दिए हुए हैं एंड यूनिट एंड क्वेश्चन इसमें भी नहीं है. सो अब तक मैंने एक ही चीज को बार बार बताया कि क्वेश्चन से पढ़ना है. इस कोर्स को अगर कवर करना है तो क्वेश्चन से पढ़ना है, बुक से स्टार्ट नहीं करना ना, फिर या फिर यूट्यूब से भी नहीं करना. यूट्यूब वीडियो देखने से भी कुछ इसमें नहीं होने वाला क्योंकि समरी से क्वेश्चन नहीं आते इसमें. और मैंने इतना सारा क्वेश्चन आपको दिखाया, क्यों दिखाया, ताकि आपको रियलाइज हो कि मैं जो कह रही हूँ उसका क्या मतलब है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ. कि जो क्वेश्चंस है वो स्टोरी से डायरेक्टली नहीं है, वो जॉनर से रिलेटेड है, वो उसके बैकग्राउंड स्टडी से रिलेटेड है. और अब मैं आगे क्वेश्चंस नहीं बताऊंगी, मैं बता रही हूँ कि यूनिट के अंदर में क्या क्या चीजें हैं, ब्लॉक के अंदर में क्या चीजें हैं, एक बहुत ही शॉर्ट में जो मैंने मुझे बताया था मैंने बताया. अब आप ये वीडियो का एंड भी कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं. एंड उनके पास में बुक नहीं है या फिर कुछ फेयर आइडिया लेना चाहते हो तो मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मेरा ऐसा है कि कोई बुक पढ़ने से पहले कोई अगर थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन दे देता है या इतना ही बता देता है कि हाँ इस बुक के अंदर ये चीजें पढ़नी है तो थोड़ा इंटरेस्ट आता है. सो आपके ऊपर डिपेंड करता है. मैंने जितना बताना था स्ट्रेटेजी मैंने बता दिया. ब्लॉक टू के बारे में बात की जाए तो जॉनर्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर वन चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड यंग एडल्ट फिक्शन. इसमें यूनिट वन है चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड इंट्रोडक्शन, ल्यूइस कैरोल थ्रू द लुकिंग ग्लास, यंग एडल्ट फिक्शन एंड इंट्रोडक्शन, श्याम सिल्वादुराई फनी बॉय. इसमें आप देखोगे तो चिल्ड्रन लिटरेचर का एक इंट्रोडक्शन है कि चिल्ड्रन लिटरेचर का जो जॉनर है उसमें किस तरीके से लिखा जाता है, किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट हुआ था, ये सब चीजें इसमें आपको पढ़नी होगी. हिस्ट्री पढ़ना होगा इसमें, अलग अलग सेंचुरीज में हिस्ट्री देखेंगे एंड जॉनर देखेंगे. लाइक चिल्ड्रंस लिटरेचर के अंदर भी बहुत सारे शब्द सब जॉनर्स आते हैं. एंड फिर ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोडक्शन है इसका, डिफाइनिंग चिल्ड्रंस लिटरेचर है. फिर अलग अलग कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे पंचतंत्र के बारे में बताया गया है, एसोप्स फेबल्स के बारे में बताया गया है, ये सब चिल्ड्रंस लिटरेचर के अंदर आते हैं. फिर ये हिस्ट्री हो गई आपकी. देन अगर आगे बढ़े तो हिस्ट्री आपको तीन पार्ट में डिवाइडेड है अलग अलग सेंचुरीज के लिए. इसको भी आपको क्या करना है, स्टडी करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर पढ़ना है आंसर्स को.
हिंट्स देख करके या फिर सर्च करके या फिर आप खुद से पढ़ो, खुद से आंसर ढूंढो, आप आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर ये आगे चेक योर प्रोग्रेस, आपको ये क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होगा। फिर इनमें आते हैं, देखो यहाँ पे आते हैं ग्राफिक नॉवेल, ठीक है, वर्स नॉवेल्स, रियलिस्टिक नॉवेल्स, नॉवेल्स ऑफ रियलिज्म, कंटेम्प्रेरी नॉवेल्स, फैंटेसी नॉवेल्स, यंग एडल्ट फिक्शन, और इन सब पे शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं। आप देख सकते हो क्वेश्चन में भी उन लोगों ने लिख दिया है ये सारे पॉइंट्स को, ये सारे पॉइंट्स जो चेक योर प्रोग्रेस में आप देख पा रहे हो, इन सबको आपको खुद से पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं ग्राफिक नॉवल, वर्स नॉवल, रियलिस्टिक नॉवल, कंटेम्प्रेरी नॉवल, फैंटसी, यंग एडल्ट फिक्शन, ये सब चीजों को। और फिर जेंडर एंड चिल्ड्रंस लिटरेचर, ये फिर पूरे हिंट्स हैं आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, थ्रू द लुकिंग ग्लास डिटेल्ड एनालिसिस। इसमें एलिस लिटिल एंड हर एडवेंचर, द वर्ल्ड ऑफ द लुकिंग ग्लास, सेंस एंड नॉनसेंस, चेस मोटिव, द टू क्वींस, लैंग्वेज, स्ट्रेंज जर्नी, ट्विडली एंड ट्विडलम, हम्प्टी डम्प्टी, द लायन एंड द यूनिकॉर्न, मीटिंग द नाइट एंड बिकमिंग अ क्वीन। इसमें आपको स्टोरी पढ़ना है, मेन आपको स्टोरी पढ़ना है। इसके लिए आपको यूट्यूब पे अच्छे वीडियोज नहीं मिलेंगे, सो मेरा सजेशन यही है कि बुक्स पढ़ो, कुछ बहुत टफ नहीं है, इजी है। वर्ल्ड ऑफ द लुकिंग ग्लास, ये जो स्टोरी है ना, इसके अंदर के डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड डिफरेंट थीम्स को कवर किया गया है, एंड उससे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जैसे चेस मोटिव क्या है इसका, वो एक्सप्लेन करना होगा आपको। टू क्वींस है, लैंग्वेज है, चेक योर प्रोग्रेस सेकेंड है, हाउ डज लैंग्वेज वर्क, आप देख सकते हो कि लैंग्वेज किस तरीके से यूज हुई है थ्रू द लुकिंग ग्लास। ये लैंग्वेज वाली चीज आपको समरी से तो नहीं पता चलेगा, इसके आंसर को आप समरी पढ़ के नहीं बता सकते हो, इसमें आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। फिर ये दूसरी चीज है हम्प्टी डम्प्टी है, फिर लायन एंड द यूनिकॉर्न है, मीटिंग द नाइट एंड बिकमिंग अ क्वीन है। फिर इसमें है क्रिटिक्स हैव कॉल्ड लुईस कैरोल्स यूज ऑफ नॉनसेंस एंड फैंटेसी एज हाईली सबवर्सिव, टू एग्री विद दिस असेसमेंट। आपको इसके आंसर हिंट्स में से देख करके पढ़ना होगा, तभी आप आंसर फ्रेम कर पाओगे, खुद से नहीं कर पाओगे। एब्रिविएशंस भी दिए हैं, एंड यहाँ पे इस यूनिट में आपको यूनिट एंड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप मार्क कर लेना, आप बुक के स्टार्टिंग पेज में लिख लेना कि कौन कौन से यूनिट में यूनिट एंड क्वेश्चन है, और उन पर आपको ध्यान देना जरूरी है। इन सब का भी आपको क्वेश्चन देखना होगा, आंसर्स ढूंढना होगा, एंड देन पूरी पढ़ाई होगी, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो चेक योर प्रोग्रेस से भी उतने ही क्वेश्चंस हैं जितने यूनिट एंड क्वेश्चंस हैं, इसलिए हर चीज पढ़नी जरूरी है। और एक तरीके से बताऊं तो इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद लिटरली आप पूरे यूनिट कवर कर चुके होते, कुछ बचेगा ही नहीं। सो इस कोर्स में आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो, ये एक बात है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये ब्लॉक स्किप कर दूं, नहीं भाई, इसका क्वेश्चन पेपर बहुत लेंथी टाइप का है, आप कुछ स्किप नहीं कर पाओगे, पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, एंड फिर नेक्स्ट चलते हैं यूनिट थ्री पे, तो यंग एडल्ट फिक्शन एन इंट्रोडक्शन राइटिंग फ्रॉम श्रीलंका। इसमें क्या चीज है, तो यंग एडल्ट फिक्शन है, श्रीलंका कोलोनियल हिस्ट्री एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, राइटिंग्स फ्रॉम श्रीलंका, बिल्डंग स्ट्रोमन काउंटर बिल्डंग स्ट्रोमन, ये सब चीजें हैं। इनको आपको क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाई करनी होगी, जैसा मैंने बताया है अभी तक। यूनिट वन यूनिट टू के बारे में जैसा मैंने बताया, उसी तरीके से ये वाली यूनिट भी कवर करनी होगी आपको। और नेक्स्ट पे अगर चले तो चेक योर प्रोग्रेस थर्ड है, फिर देखते हैं कितने सारे चेक योर प्रोग्रेस है इसमें, एंड फिर देखेंगे कि यूनिट एंड क्वेश्चन है या नहीं है। चेक योर प्रोग्रेस फोर भी है, और फोर के साथ ही यूनिट एंड हो गई, अब देखते हैं कि क्वेश्चन है या नहीं। चलिए आप देख सकते हो कि इसमें क्वेश्चंस नहीं है, तो ये आपकी खुशी की बात है कि आपको थोड़े से कम क्वेश्चंस पढ़ने हैं इसमें। एंड यूनिट एंड क्वेश्चंस थोड़ा टेंशन वाली चीज है, बिकॉज उसके आंसर्स और हिंट्स भी नहीं दिए हुए हैं। चेक योर प्रोग्रेस का एटलीस्ट चलो हिंट तो दिया है, बट एंड क्वेश्चन का कुछ भी हिंट वगैरह भी नहीं है, सो वो थोड़ा टफ है। यूनिट फोर सेम आपको उस तरीके से कवर करना है, बट इसमें आपको समरी है। फनी बॉय, ये जो स्टोरी है श्याम सिलवद राय की, इसको आपको कवर करना है। आपके लिए मेरा सजेशन होगा कि बुक से पढ़ो, बट अगर नहीं पढ़ पा रहे हो कोई बात नहीं, यूट्यूब वीडियो ढूंढना इसकी, पढ़ लेना उस वीडियो से ध्यान से। फिर क्वेयरनेस एंड सेल्फ आइडेंटिटी, अब ऑफकोर्स ये सारी चीजें थीम में आती है। फनी बॉय का समरी एनालिसिस है अलग अलग पार्ट्स में, आप देख सकते हो अलग अलग सेक्शन एंड चैप्टर्स में डिवाइडेड है ये सब कुछ। जेंडर एंड स्पेस स्कूल, इसमें मेनली जेंडर पे फोकस है, एंड फिर आपको चेक योर प्रोग्रेस के थ्रू पढ़ाई करनी होगी।
आपको समरी, मतलब समरी में से क्वेश्चन उतना नहीं आएगा जितना आपको बैकग्राउंड से आएगा, जितना आपको थीम से आएगा। इसीलिए बुक से पढ़ोगे तो बेटर होगा, आंसर ज्यादा अच्छे आप बना पाओगे रादर देन वॉचिंग द यूट्यूब वीडियोज ऑफ लाइक समरी वीडियोज। ये नहीं कि मेरी वीडियो भी देखना छोड़ देना यूट्यूब वाली, मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि 106 के लिए यूट्यूब से समरी वीडियोज मत देखना, वो कोई अच्छा आइडिया नहीं होगा आपके लिए। बुक से पढ़ना ज्यादा से ज्यादा, चेक योर प्रोग्रेस टू है, उसके साथ में यूनिट एंड हो जाती, यूनिट नहीं एंड होती, लेटेस्ट सम आपके बाद फिर से एक चेक योर प्रोग्रेस है यहाँ पे, ये क्वेश्चन मत छोड़ना, ये पढ़ लेना। एंड फिर हिंट्स है, ग्लॉसरी है, इसमें भी आपको यूनिट एंड क्वेश्चन नहीं है। ब्लॉक थर्ड पे आते हैं तो जॉनर्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर, सेकेंड डिटेक्टिव एंड साइंस फिक्शन, फिर इसमें यूनिट वन है क्राइम एंड डिटेक्टिव फिक्शन है, एन इंट्रोडक्शन, अगाथा क्रिस्टी द मदर ऑफ रॉजर एक्रॉयड, साइंस फिक्शन एंड इंट्रोडक्शन, उर्सुला के ले गुइन, द वंस हू वॉक अवे फ्रॉम द ओमलास, इन सबको कवर करना होगा आपको। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्राइम डिटेक्टिव फिक्शन साइंस फिक्शन बहुत इंटरेस्टिंग जॉनर्स है लिटरेचर के, तो आप इसके वीडियो देखो, वीडियो देखो, उससे ज्यादा मैं यही कहूंगी कि बुक्स से पढ़ो। बहुत लोग होते हैं लेजी, जिनको पढ़ना उतना पसंद नहीं या फिर उनके पास में टाइम नहीं है, कोई बात नहीं है, आप देख लेना वीडियो, लेकिन लेकिन अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट मत करना। ये मत एक्सपेक्ट करना कि वीडियो देख के आप ऐसे लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे भाई, बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा। 106 के हो भाई, एटलीस्ट 106, बाकी सब में आप कर सकते हो, बाकी सब में वीडियो से मैंने खुद दिया उतना, मैंने बुक से ज्यादा तो मैंने वीडियोज ही देखकर एग्जाम दिए है, इसके लिए बुक से पढ़ना जरूरी है। चेक योर प्रोग्रेस है सारे के सारे, जैसे मैंने अभी तक बताया आपको। फिर इसमें हम लोग चलते हैं एकदम यूनिट के एंड पे, यूनिट के एंड पे, एक तो इतनी लंबी सी यूनिट है, चलिए एंड हो गई, इसमें आपको दो ही क्वेश्चन, चलिए इसमें एंड वाले में दो क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो ये दोनों, ट्रेस द इवोल्यूशन और हाउ हैव क्रिटिक्स, ठीक है, ये दो क्वेश्चन है इसमें, इसके हिंट्स भी नहीं दिए होंगे, और ये सारे ग्लॉसरी भी, अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एंड में वहां से आप पढ़ सकते हो, एंड में आपको बहुत सारी चीजें बताई गई है, अलग अलग राइटर्स के बारे में बताया गया, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन ग्लॉसरी को उतना टाइम नहीं है, बुक से पढ़ लेना जो भी अंदर इंटेक्स में दिया हुआ। या अगाथा क्रिस्टी की जो नॉवल है जिसमें है द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड, अगाथा क्रिस्टी का बहुत बड़ा नाम है डिटेक्टिव फिक्शन के फील्ड में, सो आपको पढ़ना होगा यहाँ से जो भी इसमें है, कन्वेंशन ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन एज अ जॉनर, नरेटिव एंड नरेटिव स्ट्रेटजी, और जेम्स शेफर्ड डॉक्टर, अलग अलग ये जो आपके मतलब वो है कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर स्केच एक तरीके से कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, तो इस यूनिट से आपको मेनली कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाएगा, बुक से पढ़ना कोई बात नहीं है, इजी है। और चेक योर प्रोग्रेस है, पहले तो चेक योर प्रोग्रेस ऑफकोर्स, ये नहीं कि बुक से पढ़ना स्टार्ट कर दिए, कुछ नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा, चेक योर प्रोग्रेस पे आना, क्वेश्चन को पढ़ना, हिंट्स देखना कि आंसर्स कहाँ पे मिलेंगे, फिर उस हिंट के थ्रू उसको फॉलो करके आंसर्स को ढूंढना एंड उसको पढ़ना हो जाएगा। सोशल मिलियो एंड क्लास कॉन्शियसनेस, फिर लेट अस सम अप, चेक योर प्रोग्रेस सेकंड, ग्लॉसरी, चलिए इसमें भी आपको यूनिट 10 क्वेश्चंस नहीं है। यूनिट थर्ड पे आएंगे तो साइंस फिक्शन है जिसका एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन है टुवर्ड्स अ यूजफुल डेफिनेशन ऑफ साइंस फिक्शन, बी डिफाइनिंग द जॉनर, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ साइंस फिक्शन, टाइपोलॉजी ऑफ साइंस फिक्शन, थीम्स, इंट्रोडक्शन वाली चीज है, और मैंने सब बता ही दिया, ये सारे हेडिंग्स हैं इसमें, और जैसा मैंने ऊपर के यूनिट्स के लिए बताया सेम उस तरीके से आपको इसको भी कवर करना है, ठीक है, हो जाएगा पूरा। चलते हैं एंड में, एंड में अगर हम देखें तो क्वेश्चंस हैं इसमें, आप ध्यान देना कि इसमें क्वेश्चन है, नोट कर लेना कौन सी यूनिट है कौन सी ब्लॉक है, एंड एक क्वेश्चंस को पढ़ भी लेना ठीक से। एसएफ मतलब यहाँ पे साइंस फिक्शन है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि एसएफ क्या लिख दिया यहाँ पे। यूनिट 4 है, इसमें फिर से आपको देखने को मिलेंगे प्लॉट समरी क्रिटिकल एनालिसिस, ये जो बुक है इनकी, किन की बुक है तो उर्सुला के ले गुइन की बुक, और ये यूटोपिया एंड साइंस फिक्शन के वाली चीज को अच्छे से कवर करना, ठीक है, यूटोपिया एंड साइंस फिक्शन को, फिर उसी तरीके से इस यूनिट को भी कवर करना, समरी को जरूर पढ़ना, यहाँ से समरी पढ़ोगे तो बहुत चीज क्लियर हो जाता है, समरी मत स्किप करना, ठीक है। और फिर अगर चलते हैं एंड पे तो ये आ गया हमारा एंड, इसमें दो क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखना कि इसमें आपको दो क्वेश्चन पढ़ने होंगे, इसके आंसर्स खुद से ढूंढने होंगे एंड खुद से पढ़ने होंगे, तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे।
चलते हैं लास्ट ब्लॉक के तरफ, जिसका नाम है जॉनर्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर पार्ट थर्ड, ग्राफिक एंड विजुअल नरेटिव्स। इसमें भीमायना है, एक्सपीरियंसेस ऑफ अनटचेबिलिटी, ग्राफिक नरेटिव्स है एनालाइजिंग व्याम्स भीमायना, और यूनिट थर्ड है लिटरेचर एंड सिनेमा एंड इंट्रोडक्शन, यूनिट फोर है रस्किन बॉन्ड एंड विशाल भारद्वाज द ब्लू अम्ब्रेला। ये वाले ब्लॉक आई से की मत स्किप करना, इसमें इंडियन चीजें हैं, बहुत कम ही इंडियन चीजें पढ़ने को मिलती है। अगर आप कोई दूसरे ब्लॉग्स को ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो या कोई पार्ट स्किप कर रहे हो, मैं ये कहूंगी कि बहुत कम ऐसा मिलता है इंडियन पढ़ने के लिए। अगर आपके सामने कुछ इंडियन आ रहा है, थरली पढ़ो, ए टू जेड से उसके पढ़ो, क्योंकि इंडिया एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे अपना कल्चर छोड़ के, अपने अकेडमिक्स को छोड़ के, अपना कल्चर छोड़ के दूसरे चीजों को ज्यादा पढ़ाया जाता है। लाइक हम ऐसे कंट्री में हैं जहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन को ज्यादा वैल्यू किया जाता है। लाइक अमेरिका की बात की जाए तो अगर वहाँ के लोग अपने बुक को ज्यादा समझते हैं, अपने लैंग्वेज में बुक्स प्रोड्यूस करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो उनका ज्यादा वैल्यू और रिकॉग्निशन होता है। बट ऑन दी अदर हैंड इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में संस्कृत का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ अगर कोई बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहा है तो उसका इंप्रेशन हाई हो जाता है। अगर किसी को इंग्लिश एक लाइन बोली नहीं आती तो लोग उसको समझते हैं कि ये बहुत ही बेवकूफ है और ये पढ़ने में भी ठीक नहीं, अच्छा नहीं है। तो ये चीजें एक स्टीरियोटाइप बन चुकी है इंडिया में। तो अगर आपको सिलेबस में दिया गया है तो ये याद रखना कि किसी ने बहुत मेहनत से इनको इंक्लूड किया आपके सिलेबस में। हमारे फर्स्ट ईयर में भी एक पूरा कोर्स है बीजीसी 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, जिसको एक डॉक्टर ए के सिंह नाम के डायरेक्टर ने, जो इग्नू के डायरेक्टर थे पहले, उन्होंने बहुत ही मुश्किल से, एक रेवोल्यूशन से इंक्लूड करवाया था हमारे सिलेबस में। सो इंडियन चीजें आती है ना, तो ध्यान रखना कि कोई बहुत मेहनत करके गया है, कोई बहुत मेहनत से इंडियन चीजों को इंक्लूड किया है हमारे सिलेबस में। सो इनको स्किप मत करना। यूनिट वन इसमें है भीमायना, एक्सपीरियंसेस ऑफ अनटचेबिलिटी, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ग्राफिक नॉवल्स, टू ग्राफिक नरेटिव्स, इंडियन ग्राफिक नरेटिव्स, भीमायना एज अ ग्राफिक नरेटिव, गॉन्ड आर्ट, डिग्ना पैटर्न, एंड ओवरव्यू ऑफ भीमायना, एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी, वन डे डिस्कसिंग कास्ट, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल। अलग अलग थीम्स में, अलग अलग पार्ट में इस पूरे यूनिट को डिवाइड किया गया है। ध्यान से पढ़ना इन सब चीजों को, और क्वेश्चन पे स्पेशली ज्यादा फोकस करना, क्वेश्चन आपके लिए प्रायोरिटी होने चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम चलते हैं इस यूनिट के एंड पर, तो हम चेक करेंगे कि इसमें यूनिट एंड क्वेश्चंस हैं या नहीं है। अगर इसके एंड पर चलते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बट कोई बहुत टफ नहीं है। एक बार अगर आप यूनिट पढ़ के इस पे आओगे तो समझ में आएगा, और अगर यूनिट नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट मिल जाएगा। आपको वही सर्च वाला प्रोसीजर अपनाना होगा, ऊपर सर्च वाले आइकन से आपको ढूंढना होगा कुछ कुछ टर्म्स। ये नहीं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को कॉपी करना नहीं मिलेगा, उस तरीके से नहीं मिलता। एक टर्म लिखना होगा ताकि उस टर्म के थ्रू आपको आंसर मिल जाए। यूनिट टू में देखेंगे ग्राफिक नरेटिव एनालाइजिंग व्याम्स भीमायना। इसमें है इस कैटेगरी को डिफाइन करना, और भीमायना का इंट्रोडक्शन है, नोइंग द हीरो ऑफ भीमायना, अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ भीमायना, मेजर थीम्स है इसके, subversion of the conventional codes of graphic narratives, alternate historiography, Bhimayana upon on Ramayana, Pradhan bonds and their folk art, significance of the bubble motif, the symbolism of color। ठीक है, इन चीजों को आपको इसमें कवर करना है। मैंने एक इंट्रोडक्शन दे रही आपको, मैंने आपको बता दिया कि इस यूनिट के अंदर में क्या क्या चीजें पढ़ाई करनी है। फिर अगर देखें तो उसी तरीके से जैसा यूनिट वन कवर किया, वैसे इसमें भी क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज करना, एंड एंड में चेक योर प्रोग्रेस 5, इसमें बहुत सारे चेक योर प्रोग्रेस है। लेट अस सम अप के 5 क्वेश्चंस। व्हाट मेक्स भीमायना एन इंस्टेंस ऑफ पॉपुलर लिटरेचर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट एग्जांपल्स, व्हाट इज एन एलेगरी, गिव एनी 2 एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट भीमायना। एलेगरी इंपॉर्टेंट, इसको बुक से पढ़ो या वेबसाइट से, बट यू शुड कवर इट। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द महद सत्याग्रह। ऑलराइट, इन चीजों को कवर करना होगा। चलते हैं यूनिट थर्ड की तरफ, लिटरेचर एंड सिनेमा एंड इंट्रोडक्शन। ये भी इंटरेस्टिंग है। फियर ऑफ सिनेमा, डू फिल्म्स ऑलवेज फॉलो लिटरेचर, क्या फिल्म हमेशा लिटरेचर को फॉलो करते हैं। मैं आई एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दू, अगर मैं येस और नो में आंसर करूं तो नो, फिल्म्स हमेशा लिटरेचर को फॉलो नहीं करते। कह सकते हैं कि वो उनसे अडेप्टेड होते हैं, लिटरेचर के वर्क से वो लोग अपना स्टोरी कॉपी करते, चुराते, कुछ कह सकते हैं, बट उसका रियल टर्म होता है अडेप्टेड। ठीक है, लोग बुक से स्टोरीज को लेते हैं और उसको मूवी बनाते हैं, बट
जो उस बुक में होता है, जरूरी नहीं कि सब चीज सेम टू सेम, कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। बहुत चीजें होती है जो डिफरेंट होते हैं। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग स्टोरी के साथ में कुछ तो छेड़छाड़ करते हैं, तभी उनकी फिल्म ज्यादा हिट होती है, या फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है, लाइक डायरेक्टर के ऊपर कि क्या वो कोरे की पूरी तरीके से स्टोरी को कॉपी कर रहे हैं या फिर वो अपना कुछ इनोवेशन कर रहे हैं। अडेप्टेशन, वॉट इज एन अडेप्टेशन, टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन, पॉपुलैरिटी ऑफ अडेप्टेशन, वॉट गेट्स अडेप्टेड, हु इज द अडेप्टेड, हाउ डज द अडेप्टर अडेप्ट, और क्रिटिसिज्म ऑफ अडेप्टेशन, हाउ टू अप्रोच अडेप्टेशन, पिटफॉल्स ऑफ फिडेलिटी क्रिटिसिज्म, हाउ टू इंटरप्रेट अ फिल्म, ठीक है। इन सब चीजों को देखना है, इस पूरे यूनिट में मैंने बताया, इन सारे हेडिंग्स को कवर करना होगा, फिर वही चीज क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना। अगर हम देखें तो इसमें भी तीन क्वेश्चन है यूनिट के एंड में, यू हैव टू कवर इट योरसेल्फ, चेक योर प्रोग्रेस भी देखना है एंड यूनिट एंड क्वेश्चंस दोनों देखना है। लास्ट ब्लॉक के लास्ट यूनिट यानी इस बुक के लास्ट पार्ट पे चले तो रस्किन बॉन्ड की है, रस्किन बॉन्ड एंड विशाल भारद्वाज, द ब्लू अम्ब्रेला। रस्किन बॉन्ड की जो ये नॉवेला थी ब्लू अम्ब्रेला, उसी के नाम पर, सेम नेम से विशाल भारद्वाज ने ये फिल्म डायरेक्ट की, प्रोड्यूस की, और मकरी भारद्वाज डायरेक्टोरियल डेब्यूट, इनकी फर्स्ट मूवी थी मकरी। सात खून माफ, एडाप्टेशन ऑफ रस्किन बॉन्ड, सुजनास सेवन हस्बैंड्स, ये फिर से रस्किन बॉन्ड के एक नॉवल की एक अडाप्टेशन है। फिल्मिंग द ब्लू अम्ब्रेला, ये ब्लू अम्ब्रेला जो रस्किन बॉन्ड की एक नॉवेला है उसको विशाल भारद्वाज ने किस तरीके से फिल्म किया वो देखना है, ठीक है। तो ये ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग होगा। और ये रस्किन बॉन्ड की जो नॉवल है, अब नॉवल तो आप जानते हो, नॉवेला क्या है सिंपल बताऊं तो शॉर्ट नॉवल से शॉर्ट, जो भी नॉवल से शॉर्ट है और उसका लेंथ थोड़ा कम होता है उसको कहते हैं नॉवेला। बट इसको बुक से पढ़ना, इस पर शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं कि नॉवेला क्या चीज है, इसको आप वेबसाइट से कवर करो, बुक से, बुक में मिलेगा नहीं जल्दी, या फिर देखो मैंने बोला नहीं मिलेगा बट यहाँ मिल गया, बुक से पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ आए तब वेबसाइट से पढ़ लेना, वेबसाइट पर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रहता है। फिर ब्लू अम्ब्रेला, फिर चेक योर प्रोग्रेस है, चेक योर प्रोग्रेस इसमें फिर से होंगे बहुत सारे, उनको कवर करना, एंड उसके बाद यूनिट एंड क्वेश्चंस में दो क्वेश्चंस से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू कवर ऑल दीज क्वेश्चंस, ऑलराइट। इतनी सारी चीजें आज मैंने बताई है आपको और ये सब पे ध्यान देना जरूरी है। काफी बच्चे होंगे, काफी व्यूअर्स ऐसे होंगे जो हाफ चले गए होंगे वीडियो पर, क्योंकि ये है, ये कोर्स है बोरिंग, आई नो, और आपने अभी तक बेयर किया है, थैंक्स टू यू गाइस, आपका पेशेंस लेवल काफी अच्छा है। एनीवेज यही सारी चीजें मुझे बतानी थी एंड आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।